गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य खंड का अध्याय विदाई संभाषण, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे लाड कर्जन के शासन तंत्र में भारत में जो अत्याचार अनाचार हो रहा था, भारतवासियों के लिए और भारत के लिए जो कुनीतियाँ बनाई जा रही थी, उन नीतियों का परिणाम लाड कर्जन को किस रूप में भोगना पड़ा। उसने दो बार यहाँ का वायसराय पद ग्रहण किया, परंतु दूसरी बार में उसके कन्वोकेशन वक्तृत्व देते समय उसने जो बेकानूनी कानून पास करते हुए बंग विभाजन जैसी घटना को अंजाम दिया, उसने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। तब उसने अपने अधिकारी वर्ग को धमकाने के लिए इस्तीफा देने की धमकी दी। क्यों? क्योंकि उसके इच्छित व्यक्ति को उसके द्वारा बताए गए पद पर नियुक्त नहीं किया गया और इसने इसी क्रोध के चलते हुए इस्तीफा दिया और इसका इस्तीफा मंजूर हो गया और इसको शासन से निकल जाने का हुक्म भी प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आगे देखिए, जिस प्रकार आपका ऊँचे चढ़कर गिरना, यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा, ऊँचे चढ़कर गिरना इसका मतलब है कि पहले तो वायसराय पद पर रहना, फिर वहाँ से हटा दिया जाना, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। क्यों? लोगों की मानसिकता में या मनोवृत्ति में उसकी नीतियाँ, उसके बुरे कार्य आज भी हावी हैं, इसलिए लोग उसको नहीं भूल पाते हैं। एक अदना क्लर्क, अदना यानी छोटा सा, क्लर्क यानी बाबू, एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए एक महीने का नोटिस मिल गया, मान लो अब उसके साथ कैसी घटना होगी, मान लो मैं आपको नौकरी से निकालूं और उसका एक नोटिस एक महीने पहले दे दूं, तो क्या आपको काम में रुचि रहेगी? क्या आप काम कर पाओगे? क्या आपके किए गए काम में कमियाँ नहीं रहेगी? ऐसा ही इसके साथ हुआ, क्योंकि फिर आपका मन वहाँ उस काम में नहीं लगता, तो ऐसा ही इसके साथ होने लगा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए एक महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। कहने का मतलब है कि जैसे आपकी दशा बिगड़ जाए तो आपको अपने आप के ऊपर घृणा आती है, उसी प्रकार से इसकी दशा बिगड़ी और इसका जो पतन हुआ उस पतन के कारण ही बहुत उलझन में पड़ गया, ऐसा किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। लेखक बता रहा है कि आप जो उलझन में पड़ रहे हैं उसका मूल सूत्रधार कौन है? आप स्वयं हैं, इसलिए अपने कामों पर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? हमने बात की थी तो इसने प्रारंभ में क्या सोच करके आया था, ये कि भारत को ऐसी स्थिति में पहुँचा जाऊँगा कि बाद में आने वाले लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। परंतु हुआ क्या वर्तमान में, हुआ क्या उस तत्कालीन समय में? उसने नीतियाँ जो बनाई वो भारत विरोधी नीतियाँ बना दी। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है ना शासक, यह बात तो आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश के प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? मतलब शासन का मतलब ये नहीं होता कि आप मनमाने हुक्म चलाने लग जाओ, किसी की बात पर ध्यान ना दो, किसी की प्रार्थना को ना सुनो, उसके विरुद्ध कार्यवाही करते रहो, उसका सहयोग किसी प्रकार से ना करो, क्योंकि इसको शासन नहीं कह करके कुशासन कहा जाता है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान नहीं देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद्द छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को
आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। यहाँ पर केसर और जाट वो भी तानाशाह शासक थे, उनका बताया गया है कि वो भी कुछ नहीं करते थे, मनमाने हुक्म चलाते थे, लेकिन वो प्रजा की बात तो कम से कम सुन लिया करते थे। केसर कौन था? रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है, जो तानाशाह जर्मन शासक जो 962 से 1876 तक रहा उसके लिए प्रयोग होता रहा। और जार क्या था? यह भी जूलियस सीजर से बना हुआ शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासक जो 16वीं शताब्दी से 1917 तक के लिए रहे उनके लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक के लिए प्रयोग हुआ था। इसके बाद नादिर शाह के बारे में भी आएगा, तो नादिर शाह कौन था? देखिए 1688 से 1747 और 1736 से 1747 तक ईरान का शाह रहा था, मतलब बादशाह रहा था। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी वो जाना जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो देखिए, नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को भेजा, नादिर शाह का कर्मचारी था वो, तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। जिस समय आसिफ जाह ने गले में तलवार डाल करके प्रार्थना की तो उसने कत्लेआम रोक दिया, मतलब मारकाट मचाना बंद कर दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर बंगाल विभाजन न करने की, विच्छेद न करने की प्रार्थना पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद के बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। अरे भाई, शासन अवधि पूरी हो गई तो जाओ, लेकिन वो क्या चाहता है, बंगाल विभाजन करके ही जाऊंगा। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के हृदय में, प्रजा के जी में दुख नहीं होता? होता है, लेकिन प्रजा कहे तो किसको कहे, क्योंकि राजा सुनता नहीं है। आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर न जाती? लेकिन प्रजा को जाने की जगह नहीं थी, वो बेचारी नाराज होकर जाती भी तो कहाँ जाती, और उनके भाग्य में जो कष्ट सहने लिखे थे वो इसलिए उन कष्टों को सहन कर रही थी। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं पर देख लिया, उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। क्यों, अब ये बात क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ की प्रजा की मानसिकता में ऐसा नहीं है। यहाँ की प्रजा तो वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है कि इसका फल क्या मिलेगा। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता को सहकर के भी ये भारतीय प्रजा जीवित रहती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा, कृतज्ञता की भूमि क्यों कहा, क्योंकि भारतवासी किसी के द्वारा कोई उपकार किया जाता है तो उसको हमेशा याद रखते हैं, उसे भूलते नहीं हैं, उसके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता अवश्य अभिव्यक्त करते हैं। तो इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ नहीं समझी, और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। जब उसने प्रजा की नहीं सुनी तो प्रजा का श्रद्धा और भक्ति उसके प्रति नहीं बना। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताव नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो उसका विरोध कर देते थे और उनके ही कर्मचारी थे। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम की एक राजकुमार का गीत आज भी गाया जाता है। ये हमारे क्या है, लोक गीत होते हैं जो परंपरागत चले आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना। एक बार अपनी विपद के, विपद यानी विपत्ति के समय उस सुल्तान ने
नरवरगढ़ नाम के एक छोटे से स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे ऊंचे पद तक काम करना पड़ा। लेकिन जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वो उस नगर से विदा हुआ, तो उसने उस नगर के प्रति अपनी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हुए नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आँखों में आंसू भरकर कहा कि प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपत्ति के दिन मैंने तुझमें काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, गलती की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम स्वीकार मत करना, न ले। मतलब आप देख लो कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए भारतवासी क्या करते हैं। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? संभाषण अर्थात बातचीत करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, क्योंकि इतना कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें, आप कर सकते हैं, पर यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, अर्थात इतनी उदारता खुद लाड़कर जैसे शासक में कभी नहीं हो सकती, लेखक ये कहना चाहता है। और इस प्रकार से कर्जन के शासन का अंत भारत देश में होता है। धन्यवाद।